जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल देखो इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा साइकोलॉजी टेस्ट के क्वेश्चन और उसके आंसर आप कैसे करें शॉर्टकट और शॉर्ट टाइम में। और मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा और उनके कुछ आंसर भी बताऊंगा जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे, और कैसे ठीक से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले हम जानेंगे कि यह परीक्षण किस प्रकार आपके लिए सहायक है, परीक्षण हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है और परीक्षण माला क्या है। तो इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर करने के पहले हम कुछ इसके बाद इसके टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि यह परीक्षण किस प्रकार सहायक है। तो हम पहले जानते हैं कि परीक्षण आखिर को होता क्यों है। तो आपको पता चलता है कि आपकी क्षमताएं क्या है, परीक्षण हल करने में जिस कौशल की जरूरत होती है आपके जॉब भी उपयोगी है, और इनका निर्माण बहुत ही सावधानी से किया जाता है ताकि वे अभ्यर्थी के लिए निष्पक्ष हो। इन परीक्षण पर सफलता जॉब के साथ आपके सामंजस्य को सुनिश्चित करती है। यह परीक्षण हमारे लिए किस प्रकार एक विशेष जॉब के लिए यह बहुत जरूरी है। परीक्षण से हमें अपनी शक्तियों एवं कमजोरी का निष्पक्ष मूल्यांकन मिलता है। जो लोग परीक्षण में अच्छा करते हैं सामान्यतः जॉब में भी सफल होते हैं। तो मैं आपको साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में बता देता हूं कि आपकी साइकोलॉजी टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। मेमोरी टेस्ट मतलब आपका स्मृति परीक्षण, फ्लोइंग डायरेक्शन मतलब निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण, दूरी प्रत्यक्षित्व परीक्षण और एकाग्रता परीक्षण और प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। सबसे चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला उदाहरण है, देखिए यहां पर एक नक्शा दिया हुआ है जिसे आप गौर से पहले आपको देखना है। इस स्ट्रक्चर को आप पहले गौर से देख लीजिए कि इसमें कितने घर बने हुए हैं और किस किस टाइप से बने हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंप्यूटराइज क्वेश्चन आएगा, उसके बाद कुछ सेकंड के लिए आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे, मतलब इसके बाद आप बैक नहीं जा सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को देख के क्वेश्चन की ओर वापस आए। मतलब पहले हमने ये वाला स्ट्रक्चर हमने देख लिया और समझेंगे। तो जैसे कि मैं स्ट्रक्चर को ये आप देख रहे हैं कि ये जो नक्शा दिया हुआ है इसमें देखिए कि एक घर ये बना हुआ है, एक ये बना, एक ये और एक ये बना, मतलब ए बी सी और डी। तो आपको पहचानना है कि ये ए कहाँ बनता है। तो जैसे आपको पता होगा कि ए जो है आपका ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो ए बी सी डी ये चार दिए हुए हैं। अब इससे आपको पहचानना है कौन कौन से नंबर में ये दिए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर के बाद आपको ऐसा आपके चार ऑप्शन आएंगे जो कि ए बी सी डी और ई भी एक ऑप्शन रहेगा जिसमें इनमें से कोई नहीं वाला रहेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको ये पहचानना है कि ये जो एक घर है ये किस में है, ए में है। तो हाँ यहाँ पर ए में है। ये जो घर है ये बोल रहा है कि ये बी में है, तो ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पर बी में ये वाला घर बना हुआ जो कि ये है, मतलब ये घर बी का नहीं ये घर सी का है। इस प्रकार से आप यहां पर देखें कि ए बी सी मतलब इसका जो आंसर होगा वो पहले में आएगा आपका ए में, मतलब यहां के हिसाब से आपका आएगा पहला ए, मतलब ए में आपका ए है, बी में आपका सी आ जाएगा, मतलब सी वाला मतलब ये वाला क्वेश्चन क्योंकि ये मैच करेगा, और डी में आपका ये आ जाएगा मतलब ये वाला। इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने फर्स्ट टॉपिक क्वेश्चन देख लिया, अब सेकंड टॉपिक क्वेश्चन देखेंगे स्मृति मापन हेतु परीक्षण। मतलब आपकी स्मृति मतलब करंट की मेमोरी आपकी चेक कर जाती है कि आप किसी वस्तु को देख के कितना उस वस्तु को याद रख पाते हैं। जैसा कि इसमें देखिए
ये एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले, मतलब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। तो ध्यान से देखिए कि ये कुछ चमचा टाइप का बना हुआ है जिसका क्रमांक कितना है, 75 है, मतलब 75 है। अब ये जो 75 है इस चमचे के साथ कोई संबंध बताइए। आप चाहें तो इसकी एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं और वो ट्रिक मैं आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए जैसे ये प्रेस दिया हुआ, प्रेस का नंबर जो है वो 42 है, कुछ पॉट दिया हुआ जिसका 64 है, इसी प्रकार से अंगूर, टॉर्च और ये। तो इस चमचा और इस नंबर को आपको यहाँ पर कोई कोडिंग बनाना है कि इस चमचे के साथ ये 75 नंबर सेट होता है, इसी प्रकार से प्रेस के साथ 42 नंबर। मतलब आपको एक बार देखने के बाद ये इसके स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर साथ आपको ये नंबर याद होना चाहिए जो कि डिजिट नंबर होते हैं, ये आपको याद होना। जैसे आपने देखा, एक मिनट या 30 सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए आपको ये चीज दिखाई जाएगी, इसके बाद इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अब आपका क्वेश्चन ये है, ये जो टॉर्च है ये कौन से नंबर पे है, मतलब इस टॉर्च का नंबर क्या है। तो अभी आपने स्ट्रक्चर में क्या देखा है, ए 39, बी 93, सी 58 और डी 24। मतलब ए बी सी डी में से आपको कोई एक जवाब देना होगा कि नंबर ए का आपका ऑप्शन ये है। तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि टॉर्च का ऑप्शन शायद 39 था, तो देख लेते हैं 39 है कि नहीं है। हालांकि वहां कंप्यूटराइज में आपको बैक करने नहीं मिलेगा, ये देखिए टॉर्च का 39 नहीं 93 था। मतलब आप यहां तो हमने चेक कर लिया पर वहां पर आप कंप्यूटराइज चेक नहीं कर सकते हैं, तो टॉर्च का हो गया 93, मतलब 39 वो गलत था। इसी प्रकार से हम ये पॉट का चेक करेंगे कि इस पॉट का नंबर आखिरकार क्या है। तो इस चार ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। जैसे कि पॉट का नंबर हम यहां पर एक बार चेक करते हैं, 64 है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो 64 होगा। पर वहां आपको कंप्यूटराइज बैक करने नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए आपको एक बार इस स्ट्रक्चर को ढंग से देख लेना है कि प्रत्येक स्ट्रक्चर के नंबर आखिरकार कौन से हैं, और फिर आपको यहाँ पर आपको 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे जिसको आप फटाफट आंसर देना है। अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए, मतलब जैसे कि ये मीनार बनी हुई है जिसका नंबर 58 है, इस प्रकार से आप इन स्ट्रक्चरों को देख लीजिए। इन स्ट्रक्चरों के देखने के बाद ही आपसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके चार ऑप्शन दिए जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से ये घंटी है, घंटी जो है इस घंटी का संबंध 67 से, मतलब 67 नंबर से है। तो ये आपको कुछ ना कुछ कोड बनाना पड़ेगा कि इन स्ट्रक्चर को देख के आप इन नंबरों को याद कर लें। जैसे कि ये बस है, बस का 39 है, इस प्रकार से आगे ये कुछ खोल वगैरह दी हुई है, प्लान दी हुआ है 24। इस प्रकार से आपको ये सारे स्ट्रक्चर के नंबर उसके याद कर लेना है, या तो आपसे आपको नंबर छुपा देगा तो आपको स्ट्रक्चर बताना है, और आपको स्ट्रक्चर छुपा देगा तो नंबर बताना है। तो ये आपको इस टाइप से बताना। देखिए तो यहाँ पर वैसे क्वेश्चन आ गए हैं और आपको ये आंसर देना है इनके सारे के, मतलब ये 12 कुछ है, 12, 13, 15 कुछ है। तो जैसे कि हमने देखा ये चौथा नंबर का देखते हैं कि चौथे नंबर में ये प्लान बना हुआ है, तो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था कि प्लान आखिरकार किस नंबर पे है। तो जैसे देखिए यहाँ पर ए 56 है, बी 24, सी 59 और डी 55 है। तो अब हम प्लान का नंबर हमको याद रखना पड़ेगा अगर क्या था, तो हम आपको वही तो इसमें आपकी चेक करना है कि आपने प्लान में कौन सा नंबर देखा था। जैसे कि मुझे याद है जहां तक इसका बी 24 था। चलिए तो फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि एरोप्लेन का नंबर 24 था कि नहीं था। चलो हम यहां तो चेक कर पा रहे हैं पर एग्जाम में आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये एरोप्लेन बनी हुई है, इसका नंबर 24 है, मतलब सही था। इसी प्रकार से आपको ये स्ट्रक्चर सारे देख लेना है और उनके नंबर याद रखना है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल की तरफ और दिए हुए हैं जो आप देख के उसके आंसर निकाल सकते हैं। अब हम थर्ड टॉपिक पर बात करेंगे, स्मृति मापन हेतु मेजरिंग परीक्षण, मतलब आपको मेजरमेंट करना होता है कि आखिर इसमें क्या मेजरमेंट है। जैसे देखिए ये ब्रॉडगेज है, मतलब एक ट्रेन की पटरियां हैं जो कि ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है, मतलब ये ब्रॉडगेज और मीटर गेज है, और ये जो है गोली ये स्टेशन है। तो आपको पूछ लेगा कि जो बीच वाली ब्रॉडगेज है इसमें कितने बिंदु हैं या कितने स्टेशन हैं, क्योंकि बिंदु का यहाँ पर आप हम टॉपिक पढ़ लेंगे कि रेलवे स्टेशन दिया हुआ है, बिंदु मतलब जो बिंदु है वो रेलवे स्टेशन है। जैसे हम आपसे पूछ लेगा कि जो ब्रॉडगेज वाली बड़ी लाइन है उसमें कितने बिंदु है, और या फिर छोटी लाइन और बड़ी लाइन के बीच में कितने बिंदु मिल रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ एक बिंदु मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देख के उसके चार ऑप्शनों के जवाब देना होंगे, पर स्ट्रक्चर आपको एक बार देखने मिलेगा, उसके बाद आपको बैक नहीं जा सकते हैं। अब कुछ टॉपिक में और आते हैं जिसमें आप देखिए कि यहाँ पर प्लान बना हुआ है और प्लान के साथ ये आदमी जो है खड़ा हुआ है। तो इस आदमी को आपको ध्यान से देखना है कि ये कंडक्टर टाइप का दिख रहा है या पायलट टाइप का दिख रहा है, जिसको आप
प्लेन के साथ आपको संबंध जोड़ना है और आपको शीघ्र ही ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इस प्लेन के साथ कौन व्यक्ति मैच खा रहा है, तो आपको ये व्यक्ति के साथ याद रखना है, और या ये व्यक्ति के साथ कौन सा स्ट्रक्चर मतलब परिवहन के साधन कौन से आपको मिल रहे हैं। इसी प्रकार से ट्रैक्टर का इस लड़की के साथ, कंप्यूटर का ये कुछ मैडम टाइप की लड़की बैठी हुई है इसके साथ, और ये फूल जो है इस आदमी के साथ जो एकदम लंबा है। तो आपको ये संबंध याद रखना है, मतलब एक दो तीन और ये चार स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और इसके बाद आपको इन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके जवाब देना है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दिया रहेगा कि जैसे हमने ये देखा था कि कुछ ड्राइवर टाइप का, कंडक्टर टाइप का था जिसका संबंध प्लेन से था, मतलब पहले का हमारा आंसर हो जाएगा ए, मतलब जो प्लेन है ये हमारा आंसर है। चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो सोचा वो सही है या नहीं है, तो एक बार यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है आदमी जो है इसका संबंध प्लेन से है। इसी प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन देख ले, चलो ये वाला देख लेते हैं फोर्थ नंबर का, जो कि कंप्यूटर बैठी हुई जो मैडम है, पर हमें याद था कि कंप्यूटर था मैडम था, पर उसके साथ एक चीज और थी, तो वो आपको याद रखा कुछ इस टाइप की चीज थी। चलिए चेक करते हैं, तो मतलब इसका आंसर जो है चौथे का बी हो जाएगा। देखिए ये बना हुआ वो चीज। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम जाएंगे, देखिए हम नेक्स्ट इस टाइप का परीक्षण, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसके हमें ये चार टाइप के कुछ बिंदु बने हुए हैं, जिसके कुछ गोले वगैरह बने हुए हैं, जिससे हमें पहचानना होगा। देखिए वो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे एक नंबर पे आपका ए बी सी डी और ई ऑप्शन रहेगा, मतलब उस टाइप के कुछ क्वेश्चन रहेंगे और आपको पहचानना होगा कि नंबर एक में आपका कौन सा स्ट्रक्चर था, मतलब कॉर्नर में लेफ्ट हैंड में सबसे ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन था, तो आपको पहचानना होगा कि ए वाला था या बी मैच कर रहा है या सी मैच कर रहा है या डी या ई। पर इसमें देखिए थोड़ा बारीकी से देखिए, ये ऊपर नीचे, ये कुछ आगे पीछे, कुछ मोटे और कुछ पतले हैं, मतलब यही चीज आपको पहचानना होगा। देखिए हम कुछ कॉलम वाले परीक्षण करते हैं। कॉलम वाले में देखिए आपकी ये जो है ये कॉलम है, मतलब सॉरी ये कॉलम है और ये रो है, मतलब एक दो तीन चार पांच ये हमारे कॉलम हो गए और ये जो हो गए ये रो हो गए। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे रो वन है इसको आपको याद रखना है कि आप इसका जो जो लेटर थे वो थे ए बी सी डी और ई, मतलब वन नंबर पे ए टू नंबर पे बी। इसी प्रकार से रो टू जो था उसमें ई ए बी सी और डी है, इसी प्रकार से आगे भी होगा। इतना कॉलम को आप याद करने के बाद ही इस संबंध कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसपे आपको पूछा जाएगा कि रो थ्री में फाइव नंबर पे क्या था, तो रो थ्री पे फाइव नंबर पे क्या था। तो ये देखिए रो थ्री जो गया ये हम सीधे का ये जब फाइव गया तो फाइव नंबर पे आपका सी होगा। इस प्रकार से आपको कुछ जवाब देना होंगे जो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। देखिए एक और टॉपिक है जो कि दिशा परीक्षण है। इस परीक्षण में आप देखिए कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट बना हुआ है, मतलब याद रखिए कि पेज के बीचों बीच जो ऊपर तरफ होता है वो हमेशा नॉर्थ होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें ऊपर तरफ नॉर्थ, नीचे तरफ साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट रहेगा। इससे ही और इसके बीच में जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये बीच वाले भाग हो गए। इसी संबंधित ही कुछ क्वेश्चन रहेंगे और इसके आंसर आपको देना होंगे। पर ये स्ट्रक्चर जो है कंप्यूटर में आपके लेफ्ट या राइट तरफ हो सकता है, जिसमें स्ट्रक्चर में देख के ही आपको, पर देखने की क्षमता आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए जो कि कुछ सेकंड में आप देख सकें। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए माफी चाहूंगा, लगता है उसके कुछ क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाए हैं, जिसके बाद हम नेक्स्ट परीक्षण देखते हैं कि आखिर क्या है। तो देखिए यहां पर कुछ ईंट, चलिए हम इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो सी ईंट है ये बी से टच है और डी और ई से टच है। इस प्रकार से ए वाली जो ईंट है ये डी और ई से टच है, पर हमको ध्यान रखना है कि स्मृति में इतना स्पीड से ध्यान रखना है कि आखिरकार ये किन किन चीजों से टच होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इस प्रकार से हम ए बी और सी, मतलब ऐसे कुछ चार क्वेश्चन आएंगे उनके हमें जवाब देना होगा, जो कि चार से छह क्वेश्चन होंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पर याद रहे कि ये वही ईंट है जो हमारे घरों में यूज होती है, जो कि 9 इंच के लगभग होती है, और हमें ध्यान होना चाहिए प्रैक्टिकल कि आखिरकार आगे पीछे धरी हुई ईंटों का किनसे संबंध है, पर स्ट्रक्चर के आधार पर। तो चलिए हम स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं, जैसे कि ये बोल रहा है कि ए जो है ये ए ए वाले में कितनी ईंटें हैं, तो ए जो है वो कितनी ईंटों को टच करती है। तो हमें यहां पर देखना होगा ए जो है ये ए है ये कितनी ईंटों को टच करती है, एक तो डी को टच करती है, दूसरा ई को टच करती है, क्योंकि डी वाली जो है
वो लंबे में रखी हुई है, और ई वाली भी लंबे में, जो कि ए वाली जो है वो आड़े में रखी हुई है, जो कि डी और ई को टच करती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जो है वो दो ईंटों को टच कर रहा है, मतलब हमारा आंसर जो होगा वो दो होगा। तो इसी प्रकार से हम बी को देखेंगे कि बी जो है वो कितनी ईंटों को टच करती है। देखिए बी जो है वो आड़े में रखी हुई है, लंबे में नहीं, तो बी जो है वो डी और ई को टच कर रही है, और ए को टच कर रही है, और यहां तक कि सी को भी टच कर रही है, मतलब ये चार ईंटों को टच कर रही है। तो देखिए चार ईंटों को टच कर रही है, तो बी जो है वो कितनी ईंटों को टच कर रही है हमको ये बताना है। तो देखिए ए वाला नहीं जुड़ेगा, यहाँ डी और ई और सी है, क्योंकि जो जो ए है वो डी और ई के ऊपर है, जबकि बी के ऊपर डी और ई है, मतलब यहां पर तीन ईंटें टच है। इसी प्रकार से अंक सी और डी में दिया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं, जैसे एक नंबर एक पे देखिए यहाँ पर बहुत सारी ईंटें जमी हुई हैं, पर इन ईंटों को आपको ध्यान से देखना है। इस प्रकार से यहाँ भी दिए हुए हैं, यहाँ भी दिए हुए हैं, और यहाँ भी दिए हुए हैं। आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ए जो नंबर है ये कितनी ईंटों को टच करता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये डी को भी टच करता है, बी को भी टच करता है, और ई के बाजू में हालांकि दिखने के साथ ये एफ है, तो ये कुछ चार तीन ईंटों को टच करता है। तो यहाँ पर आंसर देखिए तीन है, हालांकि ये आंसर आपको छुपा के करना है, ना कि देखते हुए। और इस प्रकार से आप यहाँ पर तर्क वितर्क लगा के क्वेश्चनों को और साइकोलॉजी परीक्षण कर सकते। इसी प्रकार यहाँ से देखिए कुछ बिल्डिंग टाइप का दिया हुआ है, ये जो बिल्डिंग है आपको ध्यान रखना है कि ये तीन जो है ये लगी हुई है, तीन ये है, तीन ये है, इसके ऊपर दो दो फ्लोर है, इसके ऊपर सबसे ऊपर लास्ट फ्लोर है। ये जी ये जो फ्लोर है आपको याद रखना है, ये फ्लोर भी आपको याद रखना है, और इससे ही क्वेश्चन वैसे सेम बनेगा जैसे पूछा जाएगा कि सबसे नीचे का फ्लोर जो है बीच वाला, ये सबसे नीचे का मतलब ये इसके इसके पीछे वाला और इसके पीछे वाला, मतलब ये बीच बीच वाला, ये कितने फ्लोर से टच करता है, तो ये चीज आपको बताना होगा। अब हम बात करते हैं एकाग्रता मापन परीक्षण की। मतलब जैसे जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 589 दिया हुआ है, तो हम ये इसमें चेक करेंगे कि 589 दिया हुआ मतलब इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, जो हमको मैच करना है कि ये सेम अंक हमारे इसमें दिए हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो यही देखने का परीक्षण हम चेक किया जाता है। चलिए हम देखते हैं कि 5 में से कौन से गलत है कौन से सही है। जैसे कि हम देख रहे हैं 589 है तो ये 589 ही है, 2768 है तो ये 2786 है। देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर देखिए 2768 है तो ये 2786 है, मतलब ये वाला गलत है। 3643, 3642 मतलब ये भी गलत, 7129 63, 7129 63 ये सही है, 487562, 487652। देखिए यहाँ पर 6 बन हुआ, यहाँ 5 बन हुआ, मतलब यहाँ पर कुछ गलत और कुछ सही। तो हमको वही बताना है कि पहला वाला सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा गलत। इस प्रकार से हालांकि यहाँ आंसर दिए हुए हैं पर आप देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये नंबर मैच करना है कि कौन सा नंबर गलत दिया हुआ, जैसे यहाँ देखिए 48426, यहाँ 3846 मतलब ये समझ में आ रहा है कि गलत है। तो इसमें हमें कुछ गलत दिए हुए जिसमें हमको सही और गलत चूज करना है, वो भी इसको इसके साथ मैच करा के। इस प्रकार से आप आगे भी देख सकते हैं, देखिए इस टाइप के चार ऑप्शन आते हैं जिसमें आपको पहचानना होता है कि कौन कौन से सही और कौन से गलत है। हो सकता है इन चार में से ए बी सी डी में से आपके तीन गलत हो या एक सही, या एक सही हो बाकी तीन गलत दिए होते हैं, तो ये आपको पहचानना होता है कि किस किस में अंक गड़बड़ है। या हो सकता है कि जैसे आपसे पूछ ले कि 6 किन 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 ग्रुप में आता है, जैसे कि देखिए 6 जो है ये किन ग्रुप में आता है, जैसे कि देखिए इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6, देखिए ये 6 मतलब पहले का सी। इस प्रकार से हम देखें दूसरे में, दूसरे में देखेंगे ये इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, और इसमें 6 ये दिया, मतलब दूसरे का हो गया हमारा आंसर डी। इसी प्रकार से हम आगे और भी परीक्षण करते जाएंगे। एक और देखते हैं मापन, इस प्रकार से ये दिया हुआ है कि ई जो है, इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो है 9 अंक किस में दिया हुआ है। अगर ये 9 1 में आता है तो आपका ऑप्शन वही होगा जो या ए बी सी डी में से, और अगर ई अगर ये जो 9 है 2 मिलते हैं 2 ऑप्शनों में तो आंसर आपका ई होगा। चलिए हम चेक करते हैं कि ये जो 9 है ये इसमें देखते हैं, इसमें नहीं है 9, इसमें मतलब ये आंसर बी है, इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, मतलब केवल आंसर जो है पहले का वी रहेगा। इस प्रकार से यदि हुआ है कि 9 जो है वो और किसमें है, तो हम देखेंगे ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, और डी में नहीं, देखिए किसी ना किसी में तो होगा, तो ये दिया हुआ सी में। अगर आपको देखिए ये 9 यहाँ भी मिल गया है, और हालांकि इसमें कहीं दिया हुआ है, तो देखिए जहां भी डबल बार मिले, जैसे मान लो आपको 9 1 यहाँ मिल गया है, और हो सकता है आपको 9 यहाँ भी मिल जाए, तो आपका आंसर ए या डी दोनों नहीं होगा, मतलब आंसर ई होगा। तो इस प्रकार से आपको ये परीक्षण जो आपकी एकाग्रता मापन परीक्षण कहलाती है ये आपको सॉल्व। देखिए इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर दिए होते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर से पहचानना होता है। यह परीक्षण जो होता है, जैसे देखिए ये जो स्ट्रक्चर इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखते हैं कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मैच नहीं कर रहा है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये जो है ये भी मैच नहीं कर रहा, देखिए ये जो है इसके पेन इधर आ रहा, इधर आ रहा। इस प्रकार से ये परीक्षण देख लेंगे तो देखिए लगता है ये भी मैच नहीं कर रहा और ये भी मैच नहीं कर रहा, मतलब देखिए कोई ना कोई तो मैच करना चाहिए। तो ये देखिए ये वाला जो है
ये सेम मैच कर रहा है, मतलब बी का सी के साथ बहुत संबंध है, देखिए बिल्कुल टू कॉपी है। इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन सॉल्व करना होगा। चलिए तो ये बात हो गई साइकोलॉजी टेस्ट के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। अब मैं आपको एक चीज और ध्यान से बता देता हूँ कि आपको बेहतर अंक प्राप्त करना है तो आप इसी चीज का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप जिस दिन आपका साइकोलॉजी टेस्ट है उसके एक दिन पहले आप अच्छी नींद लीजिएगा, परीक्षा स्थल पर पहुंचने के लिए समय के पहले पहुंचे, मतलब भाग दौड़ ना करें, भवड़ी वाला काम बिल्कुल न रहे, और वहां पर स्थान पर पहुंचने के बाद आपको निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक वही करें जैसा आपको कहा जाए, प्रश्न पूछने में संकोच न करें, प्रत्येक प्रश्न को उत्तर सोच विचार करते हैं, जल्दी और सही सही कार्य करें क्योंकि अधिकांश परीक्षणों की समय सीमा बहुत कम है, कठिन प्रश्नों पर नष्ट न करें, मतलब समय को नष्ट न करें, फटाक से आगे बढ़ें क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा, अपने समीप बैठे अभ्यर्थी की उत्तरी की नकल न करें क्योंकि उसका परीक्षण पुस्तिका आपसे भिन्न रहेगी। तो हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है पर आपके बड़े फायदे योग्य के लिए है और ये वीडियो जो है आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो मित्रों अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक करें, और अगर आपके वीडियो आपको मेरी वीडियो में कोई कमी समझ में आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताएं और जिससे मैं आने वाली वीडियो में और सुधार कर सकूं। पर ध्यान रहे मित्र सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मैं आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।